अलविदा जुम्मा आप सबको मुबारक। तो यार गुड मॉर्निंग, जुम्मा वगैरह पढ़ गया आपका भाई, सो गया था यार, क्या कर आदमी को, लेट में रात हम सोते नहीं, सुबह लेट सोया था, फिर जुम्मा जल्दी उठना पड़ा, तो इसलिए बस अभी जैसे ही उठे यार सामान लेके आए जल्दी से, दूध वगैरह यार अभी हमने जाना है रोल समोसे वगैरह लेने, और आज आपकी भाई की तबीयत भी हो चुकी है खराब। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो, ठीक हो ना, वेलकम टू अ न्यू ब्रांड व्लॉग। हाँ जी, की हाल चाल है, तुसी ठीक हो ना। तो यार आज हम करने वाले हैं कौन सी शहरी, आज हम करेंगे 25वीं शहरी, 24 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके हैं कंप्लीट। तो आज हम करेंगे 25वीं शहरी, तो मम्मा को आपके बहन उठा दिए, अभी कज़न को उठाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं ज़रा शहरी वगैरह जल्दी से लेके आते हैं, फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार सेरी वगैरह आपका भाई लेके आ चुका है, तो आज फिर है पराठा आ गया, इधर आ गया चना, बाकी ये आ गया फिर से दही। कसम से यार इतना मजा आता है ना ये दही ला के खाने में, आपको क्या बताऊं, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बाकी दूसरा काम शैतानों को उठाना थे, आज एक ही शैतान है, आपको जल्दी से उठाते हैं, ये रहा शैतान सुहेल। सुहेल 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 इसको जल्दी से उठाते हैं, फिर दस्तखत वस्तखत लगाते हैं, क्योंकि मंत्री साहब को हम नहीं उठा रहे, क्योंकि उसकी तबीयत अभी तक सही नहीं है। आप सोच रहे हो यार, जब भी मैं बोलता हूँ तबीयत सही नहीं है, सही नहीं, सही नहीं है, तो कब सही होगी ये हमें भी नहीं पता ना, कभी ठीक कभी नहीं, कभी ठीक हो रहा है फिर दर्द, कभी ठीक हो रहा है फिर दर्द शुरू हो रहा है, हम क्या करें, क्या पता आज फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी इधर दस्तखत वस्तखत लगाते हैं, शैतान को उठाते, फिर उसके बाद आप लोग सोचते होंगे यार, आप मैं सिर्फ यही बोला दस्तखान मेरी मैंने लगाया और सब कुछ मैंने रखा है दस्तखान पे, आप लोग समझते होंगे झूठ है, कैमरे का एक बार कुछ भी बोलते लेकिन करते कुछ नहीं हो, तो आज हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो यार ये आएगा प्लेट, सबसे पहले इस प्लेट को हम रखेंगे, एक सही भाई एक सामान ये आ गया, तो दूसरा ये देखो सही भाई इसको हमने यहाँ रख दिया, तीसरा क्या, और मैं भी आपको एक अंडे का सिर्फ हाल दिखाता हूँ, जो मम्मा ने अंडे का हाल किया ना आज, तो ये आ गया सही भाई चार। बाकी सिर्फ अंडे का हाल चेक करो, मम्मा को ना असल में बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो इसने इसे कर दिया, देखो ये कोई अंडा है यार, बस खैर है यार जो मिला बिस्मिल्लाह करके खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा कल से, बस खैर है यार चलता है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता रे, कल को हमारी शादी होने, हमारे बेगम ने ऐसा बनाया, फिर हम बोले बेगम आपने अच्छा नहीं बनाया, वो चप्पल ना नीचे पाँव से इसी आएगी मुंह में सीधा इसलिए। बाकी अम्मी मेरी बेगम के बारे में बातें कर रही है, शादी अभी हुई नहीं है, बाकी सब सामान आपके पास रख दिया, और क्या सामान है, और भी सामान बाकी है, दही बाकी है भैया जल्दी से रखो, और ये बाकी, तो सब सामान आपके भाई ने रख दी है, तो अभी करते हैं हम सहरी, दस्तखान वस्तखान आपके भाई ने लगा लिया है, तो आज फिर चना आ गया, ये आ गया है क्या बोलते हैं इसको, दही आ गई, ये आ गया खतरनाक तरीके से बना हुआ अंडा, बाकी यार कल मामा को बोलूंगा, देखो चना कितना सा, ये सब आ गया उसके ग्रेवी में आ गया, तेलम तेल क्या करें, खैर वो कोई मसले की बात ही नहीं है, तो अभी जल्दी से करते हैं शहरी वगैरह, फिर मुलाकात करते हैं, क्योंकि शहरी को देख के जो है ना आपके भाई के मुंह में आ रहा है पानी, तो हम जल्दी से करते हैं शहरी, तो टाइम नहीं है, मुकाबला सकते है, खाते हैं। हाँ जे, तो यार गुड मॉर्निंग, अभी आपकी भाई की हुई है यार गुड मॉर्निंग, और आज जो है ना यार अलविदा जुम्मा है, मतलब लास्ट जुम्मा है रमज़ान का, तो बिना देर के जल्दी से चलते हैं मस्जिद, आपका भाई फ्रेश हो, आपको भाई हो चुका है, और आज आपके भाई ने कैप नहीं पहनी क्योंकि बाल अच्छे हो गए इसलिए, तो अभी नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद कैप पहनेंगे वापसी, क्योंकि उसके बाद हमें बाहर जाना नहीं है, घर पर बैठना, तो घर पर कैप पहन के नहीं बैठ सकते, इसलिए अभी चलते जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ते, और आज अलविदा जुम्मा।
रमजान का आखिरी जुम्मा, इसके बाद रमजान भी खत्म हो जाएगा यार। तो बस अभी चलते जल्दी से जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं। आज तो लेट नहीं हुए हम लोग, टाइम पे पहुंचेंगे, जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, लेट्स गो। अल्लाह हमें भी वो जन्नत अदा कर देना जिसमें आप अपने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंजे तो यार जुम्मा वगैरह आपके भाई ने पढ़ लिए तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, अलविदा जुम्मा, आप सबको मुबारक। तो यार भाई जुम्मा में आपके भाई ने पढ़ लिया, करते थोड़ा रेस्ट क्योंकि हमें जाना है 4 बजे फिर सामान वगैरह लेने। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो अभी बैठते हैं घर पे, रेस्ट वगैरह करते हैं, जो अपना काम शाम में होता है निपटाते हैं, ब्लॉग एडिट वगैरह करना होता है वो सब काम अपन निपटा देते हैं तब तक जब तक अपन फ्री हैं। फिर 4 बजे जाना दूध वगैरह लेने, फिर उसके बाद देखो आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। तो अभी बस थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर आपसे करते हैं क्या मुलाकात, बाकी जुम्मा शुम्मा पढ़ लिए, जुम्मा वगैरह पढ़ गया। आपका भाई सो गया था यार, क्या कर रात में लेट्स, रात हम सोते नहीं, सुबह लेट सोया था, फिर जुम्मा जल्दी उठना पड़ा, तो इसलिए बस अभी जैसे ही उठे यार सामान लेके आए जल्दी से दूध वगैरह। तो अभी चलो, हिम्मत नहीं यार आज जाने की, सुस्ती इतनी हो रही है ना मैं क्या बताऊँ। तो अभी चलते चलो सामान वगैरह लेके आते जल्दी से। हाँ तो यार सारे काम से हमने निपटा दिया, अभी का सीन ऐसा है कि यार अभी हमने जाना है रोल समोसे वगैरह लेने, और आज आपके भाई की तबीयत भी हो चुकी है ख़राब, नज़ला और ना यार खांसी वगैरह शुरू हो चुकी है। तो अभी चलते जल्दी से रोल समोसा वगैरह लेके आते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, तो चलो साथ रहो यार। तो बाकी हम लोग रोल समोसा वगैरह के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, बाकी ये ना रश लगा हुआ रोल समोसे में। तो बाकी यार आप, आपका भाई जरा 3 दिन बाद आपका भाई आ रहा है यार रोल समोसे लेने, क्योंकि काम ऐसे थे इसलिए वो जल्दी से लेते सामान वगैरह, फिर उसके बाद घर चलते हैं। हाँ जी तो यार सामान सामान आपका भाई लेके आ चुका है, इफ्तारी वगैरह, फिर आपके भाई ने कपड़े शपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि यार गर्मी लग रही थी, गर्मी थोड़ा हो गया है तो इसलिए हमने कपड़े शपड़े भी चेंज कर लिए, फिर वजू शजू भी हमने कर लिए। तो अभी आपको चेक करा देंगे आज फिर क्या क्या है। ये तो आ गया गिलास, बाकी ये आ गया शरबत माई फेवरेट, फ्रूट आ गया, छोले आ गए, पापड़ आ गए, चिप्स आ गए और समोसे आ गए। बस यार आज इतना ही चीज़ बना है, खैर जो भी बना है बिस्मिल्लाह करके खाना चाहिए यार, दिल बड़ा होना चाहिए, बस खाओ करके। तो बस अभी सिर्फ वेट किसका, अजान का, जैसे अजान वगैरह हो जाए तो फिर अपना रोज़ा खोलते हैं। आज आपके भाई की हालत जो है बहुत बुरी है क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो चुकी है और नज़ला ज़ुकाम हर चीज़ हो रहा है, तो बस जैसे अजान वगैरह हो जाए फिर तारी खोलते हैं। बाकी आप लोग सोच रहे हो यार जब भी मैं वीडियो बनाऊं अजान की आवाज़ कहाँ से आती है, तो यार ये है वो। तो भाई यहाँ से आवाज़ आती है इसलिए, तो आप लोग ये नहीं समझना कि यहाँ से आवाज़ आ, मैं रोज़ा खोल दूँ, ऐसा नहीं भाई। जब तक वहाँ पे अजान नहीं होगी तब तक आपका भाई रोज़ा नहीं खोलेगा। मैंने आपको दिखाया यार यहाँ पे अजान होती है, आप लोग समझते हो यार अजान हो रही हो रही अभी तक वीडियो बना रहा खा नहीं रहा, तो थोड़ा यह मसला है। हाँ तो यार अजान हो रही है, अपना रोज़ा खोलते हैं बिस्मिल्लाह। जब तक ये नहीं पियो ना मजा नहीं आता। कसम से मजा आ गया, जल्दी से करते हैं इफ्तारी फिर मुलाकात होती है आपसे। हाँ जी तो यार इफ्तारी इफ्तारी आपके भाई ने कर ली थी, फिर उसके बाद नमाज वगैरह मगरिब की आपके भाई ने पढ़ी। अब व्लॉग को लगा फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ चुका है। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लाइक नहीं करें। आज जो है ना यार वो कौन सा रोज़ा कंप्लीट हुआ, 25वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है कम्प्लीट। तो बस यार फिर इस व्लॉग को लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखना और दुआओं में आपके भाई को याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज। बोलो क्या बोले थे आप? और थैंक यू।